और बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस बात की आशंका थी वही हुआ। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट पर जीत की उम्मीद पर पानी फेर दिया। कैसे हुआ ये पूरा खेल आप देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा की 8 सीटों पर जीत के बाद यूपी में बीजेपी कैंप का जोश आई है। बीजेपी बम्पर जीत का जश्न मना रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार ही जीते और तीसरे के हिस्से में हार आई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आलोक रंजन की हार की वजह 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग रही। अखिलेश यादव ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों पर पार्टी कार्रवाई करेगी। किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। ये विपक्ष हताश निराश उदास है, वो अपने कर्मों के कारण से हताश उदास निराश है। मैं कहा हूँ कि चलनी में दूध दुहे और भाजपा को दोष दें, आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। सबसे ज्यादा 43 वोट बीजेपी के संजय सेठ को मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की जया बच्चन को 41 वोट मिले। राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 वोट की जरूरत थी। ईवीएम सत्ता सम्मेलन में यूसीसी पर क्या कहा गया? गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से यूसीसी देश में आखिर क्यों जरूरी है, इसका क्या असर पड़ेगा? आइए सुनते अमित शाह ने क्या जवाब दिया। उत्तराखंड में लागू हो गया है, केंद्र में कब लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कब लाया जाएगा? देखिए, आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, ये बहुत बड़ा सामाजिक सुधार है। ये लोकतंत्र की बेसिक मांग है कि देश के अंदर किसी भी धर्म के आधार पर कानून नहीं होनी चाहिए। देश के कानून आज की परिस्थिति से अनुकूल और जनता के हित में होना चाहिए। हमारी संविधान सभा ने भी अनुच्छेद 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज के तहत ये लक्ष्य रखा था देश के सामने कि विधानमंडल और देश की संसद उचित समय पर समान नागरिक कानून को लाएगी और देश में इसका इंप्लीमेंट कराएगी। अभी उत्तराखंड में आया है, इसकी सोशल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इसकी वैधानिक स्क्रूटिनी भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है यूसीसी जो उत्तराखंड सरकार लाई है, इसकी ये तीनों स्क्रूटिनी चुनाव है तब तक हो जाएगा। तो चुनाव के बाद सभी राज्य भी विचार करेंगे और बाकी लोग भी विचार करेंगे। आप यूसीसी क्यों लाए, इसकी जगह एक आपके यहाँ कार्यक्रम करिए, यूसीसी क्या है वो लोगों को बताना चाहिए, यूसीसी का इतिहास क्या है वो लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए और उसके बाद पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू होने वाले आचार संहिता से पहले लागू हो सकता है सीए, ये बड़ी खबर आ रही है। चुनाव तारीखों से पहले आ सकता है इसका नोटिफिकेशन, गृह मंत्रालय से सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि मोदी सरकार संशोधित नागरिकता अधिनियम यानी सीएए की अधिसूचना मार्च के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है। दरअसल मार्च में सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के कयास इस कारण लगाए जा रहे हैं क्योंकि मार्च में ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना है। वहीं सीएए लागू करने की खबरों के बीच विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये चुनाव के पहले वो धर्म के नाम पे मुद्दा तैयार कर रहा है विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के लिए, सीएए एनआरसी ये सब इनका सोच में है। बता दें कि सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों समेत प्रताड़ना झेल चुके गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना है।